बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का ये पार्ट नंबर 7 है, और इस लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन इनके क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 4 हम कवर कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इनके क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 11 पार्ट्स हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ पार्ट्स मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, बाकी मैं यानी कि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे बाकी क्वेश्चंस। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक इनके एक फार्मूला मैं यहाँ पर बताऊँगा कि सपोज हमारे पास जो है दो फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन कह देते हैं, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स कह देते हैं, ठीक है। अगर आप यानी कि प्रोडक्ट रूल रिवाइज करें डेरिवेटिव्स में, यानी कि अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको जो है डेरिवेट करना हो, तो हम किस क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? वो प्रोडक्ट रूल क्या था? एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन एज इट इज़ हम लिखते थे, दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते थे, ठीक है, प्लस का साइन, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो अगर आपके पास, अभी तो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, लेकिन टू फंक्शंस में से एक जो है दो फंक्शंस में सम हो रहे हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन यहाँ पर है एफ ऑफ बल्कि जी ऑफ एक्स, मैं कह देता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक फंक्शन के साथ, मतलब एफ ऑफ एक्स के साथ, और एफ ऑफ एक्स में साथ में उसका डेरिवेटिव भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक फंक्शन मौजूद है जिसके साथ उसका डेरिवेटिव उसके साथ सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, और फिर इन दोनों का जो सम है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है थर्ड फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन में चलें, सपोज में इस केस में हमने जो है विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट लिखने से पहले मैं ऐसा करूंगा कि जी ऑफ एक्स को मैं सपोज कर लेता हूँ ई पावर एक्स, यानी कि जिसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन के इक्वल हो, ठीक है। ई पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो ई पावर एक्स ही आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी फाइंड करें ई पावर एक्स आता है, लेकिन इस केस में हम हमारा फोकस डेरिवेटिव पे होगा कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव यही आता है, ई पावर एक्स आता है, ठीक है। तो मैं जी ऑफ एक्स की जगह मैं कहता हूँ ई पावर एक्स हमारे पास, और एफ ऑफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है, और साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। सपोज ये केस है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये बन जाता है। सपोज अब मैं ऐसा करता हूँ कि चलें ये दूसरा केस बन गया, तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ये इसके भी इक्वल हो सकता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स पहले का डेरिवेटिव फाइंड कर लें, दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें, मतलब कि प्रोडक्ट रूल या तो इसके भी इक्वल हो सकता है और इसके भी इक्वल हो सकता है। तो ये केस वो बन गया, मतलब कि ई पावर एक्स अगर हमारे पास फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स को मैं कहता हूँ कि जी प्राइम ऑफ एक्स है, ये जी प्राइम ऑफ एक्स है, और सपोज जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू ई पावर एक्स हमने लिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया था। उसके बाद जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ई पावर एक्स जो है वो फंक्शन भी वही है, जी पावर एक्स हम उसे जी ऑफ एक्स हम उसे कह सकते हैं, उसके साथ एफ प्राइम ऑफ एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ जी प्राइम ऑफ एक्स मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखना चाहूँ तो तब भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ई पावर एक्स और ई पावर एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है, अगर इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स वो भी ई पावर एक्स के इक्वल है, मतलब कहीं पे भी आप जी ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स यूज़ कर सकते हैं ई पावर एक्स की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ,
तो अब यहाँ से देखें क्या इसका फ़ायदा होगा हमें कि ये प्रोडक्ट रूल बन गया डेरिवेटिव का, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो और उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो हम यानी कि ये प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो हम इसको जनरली लिख सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ किसका है, ये डेरिवेटिव दो फंक्शंस का जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का, या फिर हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ये क्या है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इस तरह भी कह सकते हैं। और साथ में बाहर इंटीग्रल साइन है और साथ में dx भी है, ठीक है। अब इस केस में आप देखें कि यहाँ पर डेरिवेटिव dx जो है ये dx से कैंसिल आउट हो जाता है और डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल या फिर इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स हैं। जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दो इनवर्स फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस सी कह दें इसको, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये है कि अभी जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं सॉल्व करने लगे हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हम करेंगे वो इसी तरह से हैं, मतलब कि उसमें क्या होगा कि एक फंक्शन हमारे पास होगा और उस फंक्शन में हमारे जो है एक उसी का डेरिवेटिव ऐड हो रहा होगा और थर्ड फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा इन दोनों के होल के साथ, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको इससे समझ आ जाएगी, मतलब कि एक हमें गिवन है e पावर x इंटू 1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x और dx और साथ में इंटीग्रेशन का साइन। अब यहाँ से आप देखें कि आपके पास सपोज f ऑफ x जो है इसको नेचुरल लॉग ऑफ x को कंसिडर कर लेते हैं, कलर भी मैं साथ में चेंज कर लेता हूँ। सपोज हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के, मतलब ये वाला फंक्शन मैंने ले लिया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स कह दिया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँ एफ प्राइम ऑफ एक्स वो किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर एक्स के इक्वल आएगा, तो ये 1 ओवर एक्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, मतलब कि ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है और इसको फिर हम कह देंगे ये क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसमें पुट कर देते हैं, मतलब कि हम कहेंगे कि e पावर x इंटू एफ प्राइम ऑफ x प्लस एफ ऑफ x, ये हमने सपोज किया हुआ है ना कि नेचुरल लॉग ऑफ x को हमने एफ ऑफ x कंसिडर कर लिया, सपोज कर लिया और 1 ओवर x जो है वो इसके इक्वल आ गया, उस फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम कहेंगे, साथ में मैं ये साइन भी डालता जाऊँगा। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब e पावर x इंटू एफ प्राइम ऑफ x हो जाएगा प्लस एफ ऑफ x इंटू e पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि g ऑफ x जो है वो इक्वल है e पावर x के, तो इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, g प्राइम ऑफ x फिर किसके इक्वल होगा, वो भी e पावर x के इक्वल होगा। e पावर x का आप डेरिवेटिव लेके देख लें e पावर x ही आएगा, ठीक है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं डेरिवेटिव्स के चैप्टर में। अब आप ऐसा करें कि या जो फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स का जहाँ डेरिवेटिव है उसके साथ आप सिंपल फंक्शन रखें जी ऑफ एक्स लिखें, ठीक है, ई पावर एक्स की जगह, मतलब मैं यहाँ से कहता हूँ ई पावर एक्स जो है वो इसके इक्वल है, ये यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब जहाँ पर दूसरा फंक्शन सिंपल है तो इसको आप डेरिवेटिव प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब यहाँ पर अब मैं ये यूज़ करूँगा e पावर x जो है g प्राइम ऑफ x के इक्वल यूज़ करूँगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ x ऑलरेडी मौजूद है e पावर x जो है इसके इक्वल मैं लिखूँगा g प्राइम ऑफ x के, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो इंटीग्रल साइंस हैं वो भी साथ हम डालते जाते हैं ताकि एंड में हमने तो इंटीग्रेशन ही फाइंड करनी है ना। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि देखें एक पहला फंक्शन एज इट इज़ फिर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस जो है दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले का डेरिवेटिव, तो ये प्रोडक्ट रूल बनता है जो हम मैंने पहले आपको इसी लेक्चर में शुरू में बताया और डेरिवेटिव्स में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को हम शो किससे करते हैं डी ओवर डी एक्स से,
और साथ में ये इंटीग्रल साइन है और इंटीग्रल का ये डी एक्स है। अब हमने कैंसिल आउट करना है, देखें ये डी एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये डेरिवेटिव डिफरेंशियल जो है वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों आपस में इनवर्स हैं। तो हमारे पास रिजल्ट में एक फिर क्या बचा, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स यानी कि दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट, और प्लस ही हम लिख देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई पावर एक्स के इक्वल है जो हमने शुरू में सपोज किया, यहाँ मैं लिखता हूँ ई पावर एक्स। और एफ ऑफ एक्स हमने क्या सपोज, किसके इक्वल सपोज किया था, एफ ऑफ एक्स हमने सपोज किया था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। मतलब अगर इस तरह का कोई केस हो तो आप आसानी के साथ जो है मतलब उसको इस तरह से इक्वल लिख सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन के। अगर आप दूसरी तरह सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से करेंगे आप, पहले सबसे पहले मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये क्या एफ प्राइम है या एफ एफ एक्स किसको मैंने लेना है, तो आप ऐसा करेंगे ई पावर एक्स इंटू वन ओवर एक्स। ठीक है, मतलब कि ई पावर एक्स को आप पहले सबसे पहले जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ में इंटीग्रल साइंस है, फिर आप क्या करेंगे कि इनको अलग अलग करेंगे यानी कि यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, इंटीग्रल साइंस दोनों के साथ आ गए, उसके बाद आप जो है इसके ऊपर अलहदा से बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट्स क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो है उनकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए आप अलहदा से बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे बचने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि हमें फंक्शन ये e पावर x गिवन है और साथ में cos x प्लस sin x है। ठीक है, और ये dx है और इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ से आप देखें कि एक फंक्शन है और दूसरा डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है, देखिए cos x अगर आप फंक्शन कंसिडर करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ये प्लस है, तो इससे अच्छा है कि आप sin x को f ऑफ x कंसिडर कर लें। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ऑलरेडी मौजूद है, तो f प्राइम ऑफ x इसको कंसिडर कर लें और इसको g ऑफ x कह दें। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि वो फॉर्म बना सकते हैं, सपोज मैं कहता हूँ इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू एफ प्राइम ऑफ x प्लस, बल्कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन चले मैं समझाने के लिए दोबारा से लिख e पावर x इंटू cos ऑफ x यानी कि एफ प्राइम ऑफ x प्लस e पावर x f ऑफ x और साथ में dx, और यहां से आपने e पावर x को g ऑफ x के इक्वल सपोज करना है और फिर g प्राइम भी आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x जो कि वो भी e पावर x के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि जो f का डेरिवेटिव है उसके साथ आपने सिंपल फंक्शन लिखना है g ऑफ x और इसका इसको आपने इसी तरह से रहने देना। ठीक है, और यहाँ पे हम g प्राइम ऑफ x यूज़ कर लेंगे क्योंकि दूसरा फंक्शन सिंपल है, f ऑफ x है, तो यहाँ से आपने ये लिखना है कि ये प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शंस का डेरिवेटिव है प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ये क्या बनता है, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दोनों सेम बात है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस और साथ में डी ऑफ एक्स मौजूद है, इंटीग्रल साइन मौजूद है, तो डी ऑफ एक्स से कैंसिल, डिफरेंशियल जो है इंटीग्रेशन से कैंसिल और एंड पे आपके पास रिजल्ट आ गया जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। और जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, पहले जो हमने सपोज किया हुआ है जी ऑफ एक्स जो है वो है ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका रिजल्ट है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी पार्ट्स हैं इसके, तो जो थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ वो बिल्कुल आसान है इसी तरह से। अब हम उससे नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 पर मैं आता हूँ। पार्ट नंबर 4 में हमें एक इस तरह से गिवन है फंक्शन ई पावर थ्री एक्स इंटू थ्री साइन एक्स
है तो ये भी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इसमें पहले हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी। माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया इंटू डी एक्स आ गया इंटीग्रल की वजह से। अब यहाँ पर हमने किसको फंक्शन कंसीडर करना है, किसको उसका डेरिवेटिव बनेगा फिर उसका, ठीक है। अगर कॉस को देखें तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ तो थ्री साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर एक्स मौजूद है, तो हम यानी कि इस वजह से फंक्शन अभी कंसिडर नहीं कर सकते कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ये कैसे होगा, सिंप्लीफाई ऐसे होगा कि ई पावर थ्री एक्स को आप अभी सेपरेटली रहने दें, इसको सॉल्व कर लें। ये कैसे सॉल्व होगा, थ्री साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को, यानी कि दोनों को साइन स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स दोनों को डिवाइड करें ना, तो इसको अलग से डिवाइड कर दें, इसको अलग से डिवाइड कर दें, मतलब कि ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स, और ये हमारे पास इंटीग्रल साइन शुरू। अब देखें इसको हमने डिवाइड तो कर दिया, ये स्क्वायर जो है ये साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये बन जाएगा थ्री ओवर साइन एक्स, या थ्री इंटू वन ओवर साइन एक्स, वन ओवर साइन एक्स लिखते हैं ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए, ठीक है। माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, या फिर आप इसे लिखें कॉस एक्स इंटू वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साथ में डी एक्स और इंटीग्रल साइन भी साथ में ले जाते हैं। ई पावर थ्री एक्स उसी तरह से, अब वन ओवर साइन एक्स किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि वन ओवर साइन एक्स जो है वो कोसेकेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा थ्री कोसेकेंट एक्स, और ये ब्रैकेट साथ में डाल देते हैं, माइनस अब कॉस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, और वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स फिर किसके इक्वल होगा, जैसे वन ओवर साइन एक्स कोसेकेंट के इक्वल है, तो वन ओवर साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोसेकेंट एक्स जो है उसको आप फंक्शन ले लें, मतलब कि यहाँ से आप कहें कि ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कोसेकेंट एक्स, और जो आपके पास है डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये बनता है कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव तो होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, ये यहाँ पर तो कॉस एक्स है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है, तो इसमें हमने थोड़ी सी गलती ये कर दी कि इसको उसका डेरिवेटिव बनाना चाहिए, साइन स्क्वायर को अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इसको इसका डेरिवेटिव बनाते हैं, कैसे बनेगा, यहाँ से आप देखें कि साइन स्क्वायर को आप दो दफ़ा साइन में लिखते हैं, मतलब एक साइन जो है कॉस के नीचे लिखते हैं और एक साइन वन ओवर साइन इस तरह से लिखते हैं, ये वही साइन स्क्वायर ही बनता है ना। तो अब ये देखें कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के, कोसेकेंट एक्स, बल्कि कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वल होता है, टेंजेंट क्योंकि साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन, ठीक है। तो यहाँ से कॉट एक्स बन गया और वन ओवर साइन कोसेकेंट, कोसेकेंट एक्स। अब हम इसे कह सकते हैं ये अगर फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, ये इसका क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स हम इसे कह देते हैं। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि जी ऑफ एक्स भी सपोज कर लेते हैं, सपोज जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, ई पावर थ्री एक्स के, तो जी प्राइम ऑफ एक्स फिर किसके इक्वल होगा, जी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होगा ई पावर 3x into derivative of power, derivative of power, और power इस केस में 3x है, तो इसका derivative क्या होगा 3x का, 3, और 3 भी साथ में होना चाहिए। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि इसको multiply करते हैं e power 3x को, अंदर brackets open करते हैं, तो brackets जब हम open करेंगे तो ये बनेगा e power 3x into 3 cosecant x, या फिर इस कांस्टेंट को मैं पहले लिखना चाहूँ तो शुरू में लिख सकता हूँ 3 इंटू ई पावर 3x कोसेकेंट x, ये अभी मैंने इस इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ई पावर 3x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं माइनस
e पावर 3x into cot x into cosecant x, और ब्रैकेट्स डाल के dx भी साथ में लिख देते हैं इंटीग्रल की वजह से. अब हमने इसको देखना है कि हमने इसको कहा था f of x, ठीक है. चलें अगर हमने इसको f of x कहा था तो हम अब इसको f of x लिखते भी हैं. और ये क्या है 3 into e power 3x, यहाँ से आप देख सकते हैं ये g prime of x के इक्वल, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ g prime of x. और cosecant x को हमने क्या कहा था, हमने कहा था f of x है ये, ठीक है. f of x है तो यहाँ पर मैं f of x यूज़ करूँगा, f of x minus e power 3x, e power 3x किसके इक्वल है, ये इक्वल है g of x के, यहाँ से हम लिखते हैं इसको g of x. और cot x into cosecant x हमने क्या कहा था, किसके इक्वल है f prime of x के, तो यहाँ पर हम f prime of x लिखते हैं इसकी जगह. तो ये भी दोबारा से वही प्रोडक्ट रूल बन गया, मतलब कि आप इसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ g of x into f of x या फिर f of x into g of x, इस बार मैं f of x into g of x लिखता हूँ, ठीक है. तो साथ में d of x भी मौजूद है और dx dx से कैंसिल आउट हो जाएगा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से, और हमारे पास बाकी जो बचेगा f of x into g of x plus c, ये इसकी इंटीग्रेशन बनती है. और f of x और g of x की वैल्यूज हमें पता है क्या है, ठीक है, वो हम देख के लिख लेते हैं. f of x है 3 cos, बल्कि f of x हमने सिर्फ इसको कंसिडर किया था cosecant x, cosecant x, और g of x हमने किसको कंसिडर किया था, e पावर 3x को, e पावर 3x प्लस c, ये इसका रिजल्ट आता है पार्ट नंबर 4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4. अब इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं स्किप कर देता हूँ, और इसमें से जो इनके लास्ट पार्ट है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बारे में बता देता हूँ. कि आपने यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स इसका इंटीग्रल, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर एक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखें कोई एक फंक्शन या कोई उस तरह से नहीं बन रहा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, इसके डिफरेंट तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. तो हम ऐसा करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ थी या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो थे वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो मैं लिख देता हूँ. फार्मूला एक हम पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसके इक्वल होता है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ 2x. अगर एंगल को हाफ कर दिया जाए तो ये भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये भी एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ एंगल आइडेंटिटीज आप कह लें, ठीक है. तो ये एंगल जब हम हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, ये डबल है तो सिंगल हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स बन जाएगा, 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. ये हम पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ये फार्मूलाज, तो ये यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है. उसके अलावा चलिए पहले ये हम पुट करते हैं 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स की जगह, यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ इसको 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, न्यूमरेटर उसी तरह से मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसकी इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब हमने क्या करना है कि 1 को भी ये डिवाइड कर रहा है, साइन को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम अलग अलग क्यों ना इसको लिखते हैं, यानी कि 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इस तरह से मैं लिख दूँ, और ये इसको मैं साइन को भी इससे डिवाइड कर दूँ, साइन ऑफ एक्स ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अच्छा, अब एक और हमने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप कह लें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है
वो क्या है, साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है। चलें हम पहले, मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, कलर्स मैं डिफरेंट चूज कर लूँ। साइन ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल, साइन ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू, इस तरह से लिख सकते हैं ना, मतलब हाफ एंगल प्लस हाफ एंगल कंप्लीट सिंगल एंगल बन जाता है, यानी कि एक्स बन जाता है एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ना एंगल को। तो अगर मैंने यूँ लिख दिया तो इसको मैं अगर अल्फ़ा कंसिडर करूँ अल्फ़ा, और इसको बीटा कंसिडर करूँ, तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, जो कि किसके इक्वल होता है, टू साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा इस केस में एक्स बाय टू है, टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और बीटा इस केस में एक्स बाय टू, मतलब कि साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ एक्स इक्वल हो गया टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। ये यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, साइन ऑफ एक्स के लिए जो न्यूमरेटर में यहाँ पर मौजूद है। बाकी उसी तरह से मतलब कि ये वन ओवर टू चलें, वन ओवर टू ही रहेगा, वन ओवर टू कलर्स वन ओवर टू, और वन ओवर साइन स्क्वेयर या वन ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट के इक्वल होता है, तो ये कॉसिकेंट स्क्वेयर बन जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाय टू एंगल सेम, माइनस साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन की जगह हम ये यूज़ करेंगे टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में जो पहले से मौजूद है वही लिखेंगे, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू, और ये स्क्वेयर इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जो इंटीग्रल साइन और साथ में डी एक्स मौजूद है वो भी हम साथ में लिख लेते हैं, तो ये बन गया वन ओवर टू। अच्छा, इसके अलावा ई पावर एक्स भी साथ आ रहा था, वो हमने मिस कर दिया, यहाँ पर आप अगर ऊपर देखें तो ये साथ में ई पावर एक्स भी मौजूद है, तो यहाँ पर भी ई पावर एक्स साथ लिखेंगे, ई पावर एक्स, यहाँ पर भी ई पावर एक्स हर एक टर्म के साथ आएगा, यहाँ पर भी इसको करते हैं, तो यहाँ पर ई पावर एक्स, ठीक है। अब वन ओवर टू कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाय टू माइनस वन ओवर साइन क्या होता है, कॉसिकेंट होता है, या कॉज ओवर साइन चलें वो बन गया है हमारे पास, ऊपर कॉज ऑफ एक्स बाय टू है, नीचे साइन ऑफ एक्स बाय टू है, कॉज ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है, कॉट ऑफ एक्स बाय टू बन गया, ठीक है, तो साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ई पावर एक्स, और इंटीग्रल साथ में डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि कॉट और कॉसिकेंट स्क्वायर, ठीक है, कॉट को आप फंक्शन कंसिडर करें एफ ऑफ एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव बनता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये वही फॉर्म बन गया है, आगे आप इस जो है कंप्लीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस यानी कि ये एक्सरसाइज जो है 3.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का नया मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ।